Hey everyone, welcome again to Jot Report. This is Alok Pandey. और आज हम बात करने वाले हैं हमारे next lecture के बारे में, जो कि next lecture obviously. So last lecture जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि subject table था, उसके अंदर जो subject table था, उस table को student में कैसे add करें, मतलब हर एक student एक या दो या तीन तीन subject के लिए enroll करता है, तो जो subject के लिए enroll कर रहा है उसका और उस स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्रिएट करना था, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने इस पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था उसका मैं थोड़ा सा आउटपुट दिखाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा. तो जैसे अभी यहां पे मैं किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूं, लेट्स से सेलेक्ट ऑल क्वेश्चंस, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स नाम का जो है इस पे मैं रन करता हूं इसको, और जब इसे मैं रन करूंगा तो जो आंसर आने वाला है, मतलब जो हमारा आउटपुट आने वाला है, वो हम लोगों ने किया था अभी तक. ठीक है, तो अब आगे जो बढ़ना है हमें, मैंने क्वेश्चंस एंड सॉरी जो स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट का रिलेशनशिप था एस्टैब्लिश कर दिया था. और ये सब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है. पहले आप पीछे का सारा सीरीज आप देखते आइए, तभी आपको सारी चीज समझ में आने वाली है. ठीक है, आई होप समझ रहे हो आप, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, तो और इस प्रोजेक्ट को बीच में देख के आपको कुछ समझने वाला ही नहीं है. तो चलिए अब ये है कि मैं क्वेश्चंस को ऐड करूं सब्जेक्ट के साथ, मैं क्वेश्चंस ऐड करने का परमिशन दूं किसको, एडमिन को, मतलब एडमिन क्वेश्चन ऐड कर सके, कितने क्वेश्चन ऐड कर सके वो डिपेंड करता है. सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखोगे तो ऐड क्वेश्चंस नाम का एक फॉर्म है, मैं इसे एक बार रन करता हूँ. मैंने बना के रखा है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना शायद कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन बनाना उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट. सो एंड ऐड क्वेश्चंस के बाद सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस भी है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ, रन करता हूँ सेलेक्ट ऑल क्वेश्चंस को भी. ऐड क्वेश्चंस भी है, मैंने जो सेलेक्ट किया है देखिए अभी यहाँ पे फिलहाल देखते हैं. ओके, ये ऐड क्वेश्चंस फॉर्म है और ये ऑल क्वेश्चंस है एंड उसके ऑप्शंस के आईडी होंगे ऑब्वियसली. क्वेश्चन आईडी ये है एंड सब्जेक्ट का नेम ये है एंड क्वेश्चन का मार्क्स, क्वेश्चन का टाइप एंड क्वेश्चन के टेक्स्ट एंड आंसर के टेक्स्ट, इतनी सारी चीजें मैंने रखा है ये क्वेश्चंस के टेबल में. ठीक है, ये जो क्वेश्चन का टेबल है, मैं आपको पहले बता दूं कि एग्जाम का फॉर्म का चल रहा है बात यहाँ पे. जो लास्ट वीडियो में देखा था वो ये था कि एक स्टूडेंट जो रजिस्टर करता है वो कोई मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है. मैं इसका आउटपुट दिखाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैसे करना है. लास्ट में फिर मैं एकदम दिखाऊंगा कि कैसे सब सीक्वेंस है. फिलहाल अभी मुझे ऐड करना है क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के साथ साथ उसके ऑप्शंस, ये फॉर्म पे ध्यान देते हैं. ये है क्वेश्चन ऐड करने का, ये एडमिन को दिखाई देगा जो क्वेश्चन ऐड करने के लिए. अभी यहाँ पे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे यूजर को सेलेक्ट करना है, यानी एडमिन को सेलेक्ट करना है कि लैंग्वेज आपका कौन सा है, किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप क्वेश्चन बना रहे हो. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया SQL. फिर क्वेश्चन के मार्क्स आपको देना, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप ऐड करने वाले हो उसका मार्क्स, हर क्वेश्चन के बेस पे मैं मार्क्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा होता है, इसलिए मैं पूरा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को सेम मार्क्स ना होके यहाँ पे रैंडमली कोई भी मार्क्स हो सकता है, जिससे कि यूजर गेस भी ना कर सके कि चलो ये चार क्वेश्चन है, चारों को चार अगर होंगे तो टोटल जितना 16 आंसर होंगे, इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं. मैं पूरा क्वेश्चंस का ऐड करूंगा, जो एक्चुअल आंसर आएगा उसके हिसाब से करने वाले हैं. सो लेट्स पास, यहाँ पे मैंने पास कर दिया इस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, राइट. एंड क्वेश्चन का टाइप क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन बना रहे हो आप रिटर्न बना रहे हो या फिर प्रैक्टिकल बना रहे हो. जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है या रिटर्न है या फिर प्रैक्टिकल है. रिटर्न मतलब ये कि थ्योरी पार्ट रहेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा. जैसे अभी मैं क्वेश्चन का टेक्स्ट डालता हूँ, लेट्स से What is let's say Hibernate. मैं क्वेश्चन डाल दिया, what is Hibernate, right? मैं कुछ इस तरह से पास कर दिया. अब इसका जो भी रिलेटेड आंसर रहने वाला है मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, सो दैट करने के लिए मैच करने के लिए इजी पड़े. तो आंसर मैंने डाल दिया, इट्स अ फ्रेमवर्क, मतलब ऐसे ही डाल रहा हूं मैं, इट्स अ फ्रेमवर्क, राइट. मैंने ऐड कर दिया. अभी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आईडी ये है एंड क्वेश्चन आईडी 23, 25, 26, 27, 28, 29 तक है.
ठीक है, अब मैं इसे फिर से ऐड करने वाला हूं एंड देखते हैं कि क्या होता है। सबमिट करता हूं एंड ये रहा मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट, एडेड सक्सेसफुली, एड मोर क्वेश्चंस। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ऐड कर सकता है और जाके इसे हम रिफ्रेश करते हैं, जो क्वेश्चन वाला टेबल था हमारा, पेज था, रिफ्रेश करते हैं, देखते हमारा आया, यस आ गया एसक्यूएल 30, आप देख सकते हो क्वेश्चन आईडी, उसका मार्क्स हो गया रिटर्न एंड व्हाट इज हाइबरनेट एंड इट्स अ फ्रेमवर्क, उसका आंसर आ गया, राइट right? इतना क्लियर है, अपडेट एंड डिलीट की बात में बात करेंगे, इतना सब क्लियर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले सिर्फ इतने की ही बात कर ले, बट इसमें नहीं, इतने की नहीं, थोड़ा सा और इसमें समझा देता हूँ। लेट से एक और क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं सी प्लस प्लस का है और मैं यहाँ पे पास करता हूँ, इसका मार्क्स देता हूँ 8 और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्वेश्चन के टाइप में, देखनी जरूरी है, मैं क्वेश्चन रिटर्न है, अगर मैं इसे क्रिटिकल करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मैं इसे करूंगा लेट से ऑप्शनल, जैसे ही मैं ऑप्शनल किया तो चारों ऑप्शन यहाँ पास करने के लिए आ जाएंगे, 4-5 जितने भी रहने वाले हैं, क्वेश्चन का टेक्स्ट पास करना है, ऐड ऑप्शंस नाम के 4 फील्ड जो आए हैं उसको पास करना है। तो चलिए ऑप्शनल है तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ क्वेश्चन टेक्स्ट, क्वेश्चन टेक्स्ट पास करता हूँ C++ इज ऑब्जेक्ट, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। अब यहां पे जो ऑप्शन रहने वाले हैं, यस नो यहां पे एक क्वेश्चन है तो हमें इस तरह से पास करना है, लेट्स से इज C++ क्वेश्चंस, C++ प्रोग्रामिंग इज ठीक है, मतलब क्वेश्चंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो आगे पीछे वो आप देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक में सेट किया मैंने यस, एक में सेट किया मैंने नो, एक में सेट किया इट्स बोथ, लेट्स सेट करते हैं बोथ, और एक में सेट करते हैं नन ऑफ देम समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला आंसर हमें लेट से यस होगा या फिर जो भी रहने वाला है, इसी से हम कंपेयर करने वाले स्टूडेंट के आंसर को, मतलब ये जो हमारा आंसर रहने वाला है इससे और जो स्टूडेंट का फॉर्म होगा जहां से आंसर दे रहा होगा उससे हम कंपेयर करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेगा उसके बेस पे, ठीक है। सो फिलहाल इतना है और अगर मैं अभी ये चीज सबमिट करता हूँ, देखिये मैं यहाँ पे एक और टेबल है जिसका नाम है ऑप्शन करके, जो कि मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट इज ओवर हियर, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, मैं इसे भी रन कर लेता हूं, अभी मैंने सबमिट नहीं किया हुआ, लेकिन आप देखो खाली चीजों को समझ में आ जाएगा, मैंने सिर्फ फॉर्म फिल करके रखा हुआ है और लोकल होस्ट ओके। तो फिलहाल देखिए ऑप्शन आईडी, इसमें देखो क्वेश्चन आईडी, मतलब मेरा जो ऑप्शन एंड क्वेश्चन का रिलेशनशिप बन रहा है यहां पे, ध्यान दो हर एक क्वेश्चन को एक ऑप्शन होने वाला है, कंपलसरी रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन से ऑप्शन से क्वेश्चन का रिलेशनशिप, मतलब हर एक ऑप्शन आईडी जो भी है कोई ना कोई क्वेश्चन आईडी जरूर रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देखो, जो मैंने इसके पहले जो सबमिट कराया था वो था लाइक नो नान लाबला, मतलब ऐसे डमी डेटा था, ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इस तरह से। तो अब इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप कोड बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आउटपुट समझ लीजिए। अब मैं यहां से अगर सबमिट करता हूँ, लेट से सबमिट करता हूँ, देखिए ये चीज कहाँ कहाँ इफेक्ट होती है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया ओके, एडेड सक्सेसफुली, अब ये जो लास्ट वाला था ऑप्शन में से एक बार रिफ्रेश करते हैं ओके, एक चीज यहाँ पे ऐड हो गया, देखो ऑप्शन आईडी 3, लेकिन क्वेश्चन आईडी हमारा कौन सा है 31, क्वेश्चन आईडी 31 है। और यहाँ पे हम जाके क्वेश्चन को एक बार रन कर ले, रिफ्रेश करते हैं जो कि है ये वाला रिफ्रेश ओके। यहाँ पे देखिए C++ 31 आईडी जो मैंने सोचा था क्वेश्चन का आईडी, उसका मार्क्स एंड ऑप्शनल कैटेगरी हो गया एंड C++ एंड उसका आंसर, ये सारी चीजें होगी राइट, क्लियर है। तो जो ऑप्शन, इसमें दो टाइप की चीजें रहने वाली है जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप प्रेशर नहीं भी होगे तो भी। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने इफेक्ट हो रहे हैं अभी यहाँ पे, ये जो है एड क्वेश्चन एक साथ टेबल में भी एड कर सकता है, जो कि है क्वेश्चन टेबल, एक है ऑप्शन टेबल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही टेबल में ऐड कर सके, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइप रिटर्न रहेगा तब, जब यहाँ पे ऑप्शनल टाइप रहेगा, लेट्स से यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा तभी हमारा जाके ये ऑप्शन ऐड होने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है, ठीक है।
समझ रहे हो, रिटर्न रहेगा तो नहीं आने वाला है ऑब्वियसली, सिर्फ ऑप्शनल टाइप में। अब ये चीज है थोड़ा लेंदी प्रोसेस तो है नो डाउट, बट इंटरेस्टिंग है, मतलब ये चीज देखना सबको पसंद आएगा क्योंकि यू पीपल विल बी थिंकिंग हाउ टू डू दैट राइट। सो नन ऑफ देम, एंड ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे स्टोर हो गई क्वेश्चन आईडी। अब इस क्वेश्चन आईडी से हम पता कर सकते हैं कि ये किस क्वेश्चन का ऑप्शन था, मतलब इस ये चारों ऑप्शन है किस क्वेश्चन का था, एंड ऑप्शन आईडी तो ऑब्वियसली जनरेट हो ही रही है राइट। इतनी सारी चीजें क्लियर है राइट, तो इसी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, प्रोसेस बड़ा हो सकता है, मतलब टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसे हमें कंप्लीट करना है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओके सो एंड अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है इसका कुछ स्टूडेंट से लेना देना है ही नहीं है, सब एडमिन करने वाला है, कुछ लेन देन है नहीं, एंड सो इसको एज इट छोड़ देते हैं। गुड राइट, लुकिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है इवन मेरा काम। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे उसी एड क्वेश्चंस नाम का जो फॉर्म है, एड क्वेश्चन नाम का जो फॉर्म है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ जेक्वेरी का भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है, आप देखना जरूर पसंद करोगे और देख लीजिए। जेक्वेरी है एंड ऑब्वियसली हमारा जेएसपी का कोड है, तो ये रहा सबसे पहला काम, ये फॉर्म। अब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कहां पे जाने वाला है, एड क्वेश्चन कंट्रोलर नाम का एक पेज है जो कि कंट्रोलर है वहां पे जाने वाला है। क्या है, गेट है फॉर्म। अब इसके अंदर जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है सबसे पहली चीज जो दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस है, सिर्फ उतने ही लैंग्वेजेस आने वाले हैं जितने आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है। बड़ी बात है राइट, ये एक्चुअली बड़ी बात है कि हम लोग उतने ही ऐड करने वाले हैं जितना हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, तो उसके लिए मुझे पहले तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ हमारे क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नाम का, इसे भी रन कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। So, ये रहा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास, सी प्लस प्लस है, जावा है, एसक्यूएल है, और यही तो मुझे दिखाना है जब मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, तो तीनों चीजें यहाँ पे दिखाना है, सिलेक्ट करना है बंदे को कि कौन से लाइक सब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हो राइट। सिंपल अब क्वेश्चन मार्क्स, तो उसके लिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट लेना है इसलिए सब्जेक्ट ऑपरेशन, सीयू बीओ ऑब्जेक्ट का नेम, सुबो व्हाटएवर सब्जेक्ट ऑपरेशन, एंड सुबो सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो लिस्ट एल आई सुबो डॉट सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, सुबो वाओ सुबो डॉट सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, लिस्ट के अंदर रखा, लिस्ट इटरेटर लिया, लिस्ट इटरेटर एक एक करके हमारा वैल्यू फेच करेगा, आई होप आपको कलेक्शन वगैरह आता होगा थोड़ा बहुत, तो lit डॉट हैज नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है उससे पता चलेगा कि कितने लाइक नेक्स्ट इटरेशन पता चलेगा सब्जेक्ट। अब पहले इटरेशन में जो भी डेटा मिलेगा उसका lit आई मीन डॉट नेक्स्ट करके मैंने सब्जेक्ट थ्रू कन्वर्ट कर, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सब के अंदर रख दिया, यानी सब्जेक्ट नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया, सिंपल है सब्जेक्ट नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि बीन क्लास मैंने ऑलरेडी बना के रखे, आपको पता होगा पहले से अगर आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे देखोगे बीन नाम का जो सब्जेक्ट नाम का जो ये हमारा बीन क्लास है जिसके अंदर सेट ऑफ ग्रेटर मेथड्स है, एंड सब्जेक्ट ऑपरेशन नाम का जो चीज है वो डीओ के अंदर है, ये रहा सब्जेक्ट ऑपरेशन जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट ऑपरेशन का यहाँ पे है, और बीन जो है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे, तो मुझे ये दोनों का ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया हो। और अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या सेट कर रहे हैं, ऑप्शन वैल्यू जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है इसकी बात करो मैं, लिस्ट ड्रॉप डाउन की, ठीक है, तो वो चीज हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन वैल्यू सब डॉट गेट सब्जेक्ट आईडी, यानी सब यानी हमारा सब्जेक्ट डॉट गेट सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट का आईडी में रख रहा हूं वैल्यू में, ध्यान दो जब यूजर सेलेक्ट करेगा और जब सबमिट करेगा तो यूजर को जो दिखाई देने वाला यानी एडमिन को जो दिखाई देने वाला तो लैंग्वेज का नाम रहेगा, लेकिन जो सबमिट होगा वो हमारा सब्जेक्ट का आईडी रहेगा, ध्यान दो सब्जेक्ट का आईडी रहेगा, क्लियर है, गुड। सो नाउ अब जो दिखा रहा हूं देखो सबमिट का नेम है, समझ रहे हो आप, जैसे मैंने सी प्लस सेलेक्ट किया तो इसका आईडी जाने वाला है फॉर्म में सबमिट होने के बाद, ना कि हमारा नेम, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो उसको जितनी बार रहेगा सबमिट वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और सेलेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया, सेलेक्ट ओपन किया था तो ओके नाउ यू ओके फॉर्म ग्रुप नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का मार्क्स सबसे पहले लिया मैंने, फिर क्वेश्चन का टाइप लिया, फिर हमारा ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट
ऑप्शनल रिटर्न प्रैक्टिकल, उसका वैल्यू यहाँ पे सेट किया गया है ऑप्शनल रिटर्न प्रैक्टिकल, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो हमारा रिटर्न रहने वाला है। अब फॉर्म को समझाते ही काफी टाइम चला जाएगा नो डाउट। तो सो व्हाट, फॉर्म का ग्रुप फिर से लिया मैंने। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने जो अगर यहीं पे देखो मैंने रखा है एक दूसरा फॉर्म का ग्रुप, ये वाला जो था हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन, एक सेकंड, ये तो क्वेश्चन टाइप था। अच्छा यहाँ पे है कैटेगरीज, ओके ये कैटेगरीज है हमारी। अब अगर कैटेगरीज रिटर्न रहेंगी तभी ये सॉरी जब अगर हमारा ऑप्शनल रहेगा तभी ये चीज दिखाई देने वाली है, नहीं तो नहीं दिखाई देने वाली है, ठीक है। मैं एक बार इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके समझे। अगर हमारा ये ऑप्शनल रहेगा सिलेक्ट रहेगा तभी दिखाई देने वाली है, अदरवाइज ये चीजें नहीं दिखाई देने वाली है, पूरी की पूरी चीजें नहीं दिखाई देने वाली, ठीक है। यहां से लेके लेट्स कूल। अब क्वेश्चन तो बंदा यहाँ पे पुट कर देगा क्योंकि उसका नाम भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, नेम क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो भी नेम रहना है क्वेश्चन टेक्स्ट, राइट। अब वापस नीचे जाइए, आंसर टेक्स्ट भी यहाँ पे है, बटन सबमिट भी हो गया, लेकिन मैं थोड़ी सी क्वेरी लिखा हूँ। और यहाँ पे देखोगे ये जिसका क्लास का नाम दिया मैंने फॉर्म ग्रुप दिया हुआ है, एंड आईडी दिया है ऑप्शंस, क्यू ऑप्शंस दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शंस, ठीक है। और ये तो है हमारा एल्स पार्ट का कि जो हमने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, देखो ये जो कर्ली ब्रेस है यहाँ पे है, अगर हमारा सब्जेक्ट नल नहीं होगा तब के लिए, एंड एल्स पार्ट हम दिखाएंगे नो सब्जेक्ट अवेलेबल, सब्जेक्ट है ही नहीं है तो ऐड नहीं किया जा सकता, राइट, उसके लिए है, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, H1 कलर रेड, ये तो हमारा जो रिजल्ट आएगा सबमिट होने, मतलब हमारा टेबल में ऐड होने के बाद जो रिटर्न आएगा उसके लिए है, मतलब मैंने तो ये फॉर्म सबमिट होएगा तो जिस पेज पे जाएगा वहां से मैं वापस इसी पेज पे आ रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो मैं रिजल्ट लेके आऊंगा कि मतलब रिजल्ट लेके आऊंगा मतलब कि वो सक्सेसफुली ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ, उस चीज को प्रिंट कराने के लिए। जो कलर रेड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर देखे मैंने किया हुआ है, अगर नल नहीं है तो मैंने रिजल्ट को प्रिंट कराया है, नहीं तो सिर्फ स्पेस छोड़ दिया है, क्लियर। अब जो जे क्वेरी का पार्ट है वो थोड़ा समझ लीजिए, जे क्वेरी आई होप आपको थोड़ा बहुत आता होगा। ये जे क्वेरी का पार्ट बस इसलिए किया है, अगर उसने रिटर्न सेलेक्ट किया है तो वहां पे वो चारों ऑप्शन नहीं दिखने चाहिए, अगर उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तभी वो चारों ऑप्शन दिखाई देने चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हो आप हैज क्यू अंडरस्कोर ऑप्शन डॉट चेंज, मैंने सेलेक्ट का जो आईडी पास किया है यहाँ पे देखोगे आप सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये आईडी है क्यू ऑप्शन, और जस्ट अ सेकेंड ऑप्शन वन नेम किधर है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर, तो ये क्यू ऑप्शन किधर है, जस्ट अ सेकेंड, ओके सो ये जो क्यू ऑप्शन है वो हमारा ऊपर है जहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन चेंज होने वाले, राइट, ना कि वहां पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप करोगे फॉर्म ग्रुप बनाया गया है, फॉर्म ग्रुप आईडी दिया गया है क्यू अंडरस्कोर ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे देखोगे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक चेंज नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। चेंज नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, ऑप्शन सिलेक्टेड, मतलब जो भी उस सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है उसमें से सिलेक्टेड ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है उसका पूरा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टोर कर रहे हैं ऑप्शन सिलेक्टेड के अंदर, एंड तो ऑप्शन सिलेक्टेड नाम का जो एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हुआ है उससे मैं टेक्स्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और उसको मैं टेक्स्ट सिलेक्टेड के अंदर रख दिया और उसको कंपेयर कर रहा हूँ, ऑप्शनल है तो स्लाइड डाउन करो 1000 मिलीसेकंड्स के हिसाब से, उससे स्लाइड डाउन करो तो दिखने में भी अच्छा लगता है, टेक्स्ट सिलेक्टेड अगर रिटन है तो स्लाइड अप करो अगर प्रैक्टिकल है तो भी, कूल डूड, राइट, सिंपल है, बस इतना तो किया था इसके अंदर। अभी सबमिट होगा तब जाएगा हमारा उस पेज पे जो कि है ऐड क्वेश्चंस कंट्रोलर, ऐड क्वेश्चन कंट्रोलर पे जाना अब बाकी है और एक्चुअल खेल भी अब बाकी है, अब करना है, अब कंट्रोलर पे जाना है तो कंट्रोल में जाके देखोगे तो ऐड क्वेश्चंस कंट्रोलर डॉट जावा ये है, ठीक है। तो इस पे जाते हैं, इसका कोड थोड़ा बड़ा एंड लेंथी भी आई होप दिख रहा होगा आपको, सो यही प्रोसेस करना है सबसे पहले तो हमें, ओके सो इसमें देखोगे आई थिंक मुझे ये वीडियो में नहीं समझाना चाहिए सारी चीजें, ये नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि सारे के सारे कोड के बारे में कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ मैं सारी चीजें, ठीक है।